हेलो गाइस गाइस आज हम लोग देखेंगे फिब रिट्रेसमेंट पार्ट थर्ड। अगर पार्ट वन और टू अगर आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जरूर देख लेना। और पिछला वीडियो को ही हम लोग डायरेक्ट आज कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने जा रहा है तो ये वीडियो को आप यहीं पे पॉज करो और सबसे पहले जाकर के पार्ट वन पार्ट टू देखो, तब आपको पार्ट थ्री मिलेगा। तो चलिए गाइस इसमें हम लोग बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग जहां पे पिछला हम लोगों ने खत्म किया था ये वीडियो में हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो फिर अब मैंने देख लिया कि हाँ हमारा ये क्या है, एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। हमने कौन कौन सा देख लिया, हमने ये देख लिया एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम करता है। हमने ये देख लिया कि हाँ एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है क्या, ये एरिया। कौन सा एरिया, 50-65% का एरिया जो हमें फिब निकाल के देता है। क्या फिब हमें निकाल के देता है, वो एरिया क्या होता है, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। क्या एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। अब दूसरा चीज हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है एंट्री। अब एंट्री भी दे रहा है ना, ये हमें बता दिया कि एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब मार्केट अगर ऊपर गई है तो मार्केट 50-65% के एरिया पे आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब वो सपोर्ट एरिया है कौन सा, 50-65% का एरिया, तो हम लोग वहां पे एंट्री ले सकते हैं। एक एंट्री का एरिया दे दिया हमें, हम लोग ट्रेड लेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगी और हम लोग उसके साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, हमें एक एंट्री का एरिया दे दिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्टॉप लॉस हमें इससे कैसे पता चलेगा, स्टॉप लॉस। ठीक है, हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं स्टॉप लॉस। गाइस ये जो स्टॉप लॉस में हमारा काम करता है 78% का एरिया। ठीक है, 78% का एरिया। अब मैं यहां पर मैं आपको एक कुछ समझाता हूं। ठीक है, वेट अ मिनट गाइस, एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो अब ट्रेंड है ठीक है, अब ट्रेंड है भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो अब ट्रेंड खत्म भी तो होगा। देखो हमेशा तो मार्केट में अप ट्रेंड नहीं चल सकता है ना, अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अप ट्रेंड कंसोलिडेट होगा, फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, कंसोलिडेट होगा, एक जगह पर रुकेगा। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड खत्म हो गया, अप ट्रेंड खत्म हो गया है, अब डाउन ट्रेंड आ गया है, ये भी हमें फिब बताता है। अब कैसे बताता है वो मैं बताता हूं। ठीक है, कैसे बताता है, मान लो एक बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक बात मैं बता रहा हूं, मान लो मार्केट यहां पर आई। ठीक है, अब क्या है, रुको इसको मैं ऊपर ही कर देता हूं। ठीक है, मान लो मार्केट यहां से यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर हमारा क्या एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रही, मैं फिब ड्रॉ करूंगा। फिब यहां से कहां से ड्रॉ करूंगा मैं फिब, फिब मैं उसको ये नीचे से यहां से यहां तक लेकर के मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिब के ऊपर यहां से मैं और यहां तक मैं ड्रॉ करूंगा, मेरे पास में क्या एक एरिया मिल गया। ये क्या है, एक एरिया है जो मुझे मिल गया है, मेरे पास में क्या एक एरिया मिल गया। तो गाइस हमारे पास में क्या एक एरिया मिल गया कि हाँ मार्केट यहां पर आएगा। ठीक है, मतलब मार्केट ऐसे करके यहां पर आएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ट्रेंड में तो यही होता है, मार्केट नीचे आना फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, पर यहां हुआ क्या, तो मार्केट क्या करने लगा, मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा और इसे तोड़ दिया। ठीक है, और मार्केट यहां तक आ गया, क्या मार्केट यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक मार्केट यहां तक आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ट्रेंड मार्केट में खत्म हो गया, जो अप ट्रेंड था अब वो खत्म हो गया। और ये खत्म कब होगा, कब हमें पता चलेगा, जैसे ही मार्केट ये जो 78% है हमारा, ठीक है, जो 78% का जो लाइन हमारे पास में ये जो छोटा सा रेड कलर का है, ठीक है, इसके पार जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा, मतलब सिंपल सा बात है कि हमारा अप ट्रेंड खत्म। और इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे मान लो अगर आप अगर यहां पर ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप यहां से ट्रेड लेते हो ऊपर की तरफ का, और फिर मान लो आप जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, ट्रेड के लिए आप एरिया बनाते हो, तो आपको स्टॉप लॉस कहां लाना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है ये जो रेड लाइन है ना, इसके नीचे 78% के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये 78% का जो लाइन है,
वो क्या है, वो है हमारा स्टॉप लॉस का एरिया, ठीक है, उसके नीचे लगा दू। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब सिंपल सा बात है कि ट्रेंड खत्म हो गया है, अब ट्रेंड खत्म हो गया है, अब मार्केट को शॉर्ट करो, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट। क्या अब ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड है। तो ये 78% क्या देता है हमें, ये हमें देता है स्टॉप लॉस का एरिया, ठीक है, अब स्टॉप लॉस का एरिया देता है। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल गया कि हाँ 78% क्या करता है, हमें स्टॉप लॉस का एरिया देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि टारगेट, ठीक है, टारगेट और स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो हम लोग अभी सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। अब मैंने एक एरिया लिया है 30% का, ठीक है, यहां पर क्या मैंने एक एरिया लिया है 30% का, 30% का, ठीक है। अब ये 30% का आखिर ये जो लाइन है ये क्यों है गाइस, इसे आप नहीं भी रख सकते, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यही हमें बताता है कि जो अप ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है उसमें कितना ताकत है, क्या उसमें कितना ताकत है, वो हमें बताता है 30% का। मान लो कोई ट्रेंड है, ठीक है, कोई अप ट्रेंड है, ठीक है, मान लो कोई अप ट्रेंड है, चलो हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं अप ट्रेंड, मान लो यहां पर हम लोग अभी अप ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सॉरी हम लोग डाउन ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम लोग अप ट्रेंड ड्रॉ नहीं करेंगे, देखो गाइस हम लोग सारा एग्जांपल ले रहे हैं अप ट्रेंड का, ठीक है, डाउन ट्रेंड का तो ले ही नहीं रहे। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम लोग कोई फिब ड्रॉ करेंगे, मान लो यहां से हम लोग यहां का फिब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से यहां का हम लोग फिब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिब ड्रॉ करेंगे। अब फिब ड्रॉ करने में मैं पहला बात तो मेरा सेटिंग में है ही नहीं है, ठीक है, मैं 0.38 ले लेता हूँ, हाँ ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया था, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये 30% का है, कौन सा, ये 30% का लाइन, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहां से यहां मैं फिब ड्रॉ करता हूं यहां से यहां तक, और मार्केट क्या करती है, मार्केट केवल का केवल 30% के एरिया के पास आकर के मार्केट नीचे चली जाती है, मतलब क्या है 30% तक ही आई, और हमारा सपोर्ट का एरिया कौन सा था, हम लोग तो वेट कर रहे हैं ये एरिया के लिए, ठीक है, ये एरिया के लिए। तो अगर अगर 30% का एरिया से अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर आ जाती है तो सिंपल सा बात है हैवी हैवी डाउन ट्रेंड है, बहुत हैवी डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट बहुत स्ट्रेंथ था मार्केट में। अगर अप ट्रेंड में यही चीज अगर 30% जो एरिया हमारा है उसी को बस टच करके अगर निकल जाती है, मतलब मार्केट में ताकत बहुत है, मतलब अप ट्रेंड बहुत हैवी है, बहुत ऊपर तक मार्केट जाएगा, या डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा होता है तो मतलब सिंपल सा बात है डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं होगा, डाउन ट्रेंड अभी बहुत ताकत है डाउन ट्रेंड में और मार्केट नीचे जाएगा, ये हमें क्लियरली पता चल जाता है। तो हमें इससे पता चल गया स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। अब हमारे पास में जो है सो चौथा जो हमारे पास में बचता है वो बचता है क्या, वो बचता है हमारे पास में टारगेट। हमें टारगेट कैसे पता चलेगा गाइस, मैंने आपको बताया था टारगेट हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप अगर यहां पर अगर ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहां से अगर आप ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस कुछ यहां पर रख करके, ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट सिंपल सा बात है, आपको टारगेट ये तो दे ही रहा है कि हाँ ये एरिया के पास आएगा, आप निकल जाना प्रॉफिट बुक करके, ठीक है। तो हमें क्या, ये टारगेट दे दिया, ठीक है, ये हमें क्लियरली टारगेट दे दिया, ठीक है। तो टारगेट भी हमें दे रहा है कि निकलना कहाँ है, ठीक है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जो फीव बना के दे रहा है हमें, ये एडवांस लेवल का है, ठीक है, तो ये हमें टारगेट भी दे दिया, ठीक है। गाइस अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हम लोग निफ्टी के चार्ट, ठीक है, और रेंडमली देखेंगे, ठीक है, रेंडम, कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि ड्रॉ करके काम कर रहे, तो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, यहां पे आ जाओ, यहां पे देखते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लो, मान लो मार्केट यहां पे रुकी, ठीक है, मार्केट यहां पे रुकी, ओके, मार्केट यहां पे रुकी, ठीक है। अब हम लोग क्या, मार्केट फिर यहां पर एक, ठीक है, सबसे पहला स्विंग मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यही बनाया ना, पहले मैं एक ड्राइंग बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको चीजें आसान हो जाएंगी। मार्केट यहां पर आई, फिर मार्केट यहां पर आई, ठीक है, फिर मार्केट यहां पर गई है, फिर मार्केट देखो यहां तक आई है, फिर मार्केट ऊपर आई है, फिर मार्केट यहां तक आई है, ठीक है, और इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है,
ठीक है, ये आपको मिल गया। ये क्या आपको दिखा दे, ये अप ट्रेंड है। क्या है? अप ट्रेंड है, आपको क्लियरली पता चल गया ये डायरेक्शन से। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो यहां से लो से हाई तक ड्रॉ करेंगे। देखो हमें क्या मिला, सो एक एरिया मिला, देखो मार्केट वहीं से बाउंस हुई है, यहीं से मार्केट क्या किया, मार्केट यहीं से बाउंस हुआ। देखो एक सपोर्ट कर दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक फील, कहां से, यहां से, ये लो से, ये लो से, ये हाई तक, ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक, इसे स्विंग कहते हैं, ये चोटी को स्विंग कहते हैं। ठीक है, अगर ऊपर में है चोटी तो उसे स्विंग हाई कहेंगे, और नीचे में अगर चोटी है तो उसे स्विंग लो कहेंगे। ठीक है, फिर हमें एक एरिया दे दिया, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, अभी आप क्लियरली देख सकते हो ये एरिया हमें दे दिया। ठीक है, फिर क्या, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे, अभी आप देखो कितना रिस्पेक्ट करता है इसको। देखो फिर हमें एक एरिया दे दिया, ये एरिया दे दिया हमें। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो, आप बहुत रिस्पेक्ट देता है ये इसे। देखो यहां पर केवल टच करके निकला है, ठीक है, यहां पर क्या किया, यहां पर पूरा नीचे तक आया है, फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, वो मार्केट है, ठीक है, उतना आपको एडजस्ट कर। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट कहां तक आएगा, वो साफ साफ हमें फीबी के थ्रू पहले ही पता चल जाता है। अगर ये अगर नहीं रहता ना, ठीक है, अगर मैं अगर रिप्ले से, अगर मैं अगर इसे अगर मैं ढक दू ना, ठीक है, इसे अगर मैं ढक दू तो मुझे क्लियरली पहले ही पता चल गया था कि मार्केट यहां तक आएगा, फिर मैं लॉन्ग करूंगा या मार्केट यहीं से मैं शॉर्ट करूंगा यहां तक। ठीक है, मुझे पहले ही पता चल गया। ठीक है, तो क्या करना है गाइस, सिंपली है, देखो आपको क्या करना है, अगर आप फीप के थ्रू अगर ड्रॉ करते हो ऊपर तक, ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, और फिर हम लोग वेट करेंगे मार्केट के, मार्केट का नीचे आने का। ठीक है, मार्केट के नीचे आने का हम लोग वेट, देखो मार्केट आ गई नीचे। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, जब मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, फिर आप ट्रेड लोगे, क्या लॉन्ग का ट्रेड लोगे, यहां से मान लो आप ट्रेड लेते हो लॉन्ग, ठीक है, तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस ये 78% का जो लाइन है रेड वाला, ठीक है, रेड वाला जो लाइन है, एक काम करता हूँ मैं इसी में 3x कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या, आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ये जो रेड कलर का जो लाइन है, ठीक है, इसके जस्ट आप नीचे लगाओ, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, और आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, या फिर आप पहला देखो 50% तो पहला आप यहीं पे बुक कर लो, ये जो चोटी है ना इसका स्विंग हाई, ठीक है, यहीं पे बुक बुक कर लो, और 50% आप टारगेट रखो ऊपर तक का, ठीक है, समथिंग ऊपर तक का आप रख सकते हो। ठीक है, और फिर आप सिंपल सा बात, आप सो जाओ फिर। ठीक है, आपको सिंपल सा ये टारगेट बता दिया है, ठीक है, आप मार्केट वहां तक देखो चलेगी, आप प्रॉफिट बुक कर लो और निकल जाओ। फिर आप क्या करोगे, फिर आप वेट करोगे, क्या देखोगे, अरे मार्केट तो नीचे आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ड्रॉ करोगे फिर, इसे हम लोग पीछा पिछला फीब का बंद कर दो, उसे मतलब डिलीट कर दो, क्योंकि पिछला फीब हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, और अगर वो अगर चार्ट पर रहेगा तो थोड़ा चार्ट यार मेसी टाइप, मतलब गंदा टाइप का दिखेगा, बहुत बहुत ज्यादा भीड़ टाइप का लगेगा। ठीक है, देखो फिर आप ड्रॉ किए, आपको मिल गया कि हाँ हमारे पास में क्या, ये सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, सपोर्ट का एरिया मुझे मिल गया है, ठीक है, मुझे जब आएगा ट्रेड, ठीक है, जब आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वेट करोगे, देखो मार्केट यहां पर आई, मार्केट यहीं से मार्केट ऊपर निकल जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली से यहां से आप ट्रेड लोगे, ठीक है, ट्रेड ट्रेड आप क्या करोगे, आप यहां से ट्रेड लोगे, और स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, ये रेड लाइन के जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, हाँ जस्ट नीचे, रेड लाइन के जस्ट नीचे, और टारगेट कुछ आपको ऊपर तक रहेगा। ठीक है, फिर आप शांति से सो जाओ, मार्केट फिर अपना ऊपर चली जाएगी। ठीक है, देखो मार्केट अपना ऊपर चली गई, देख सकते हो मार्केट अपना ऊपर चलेगी, इतना दूर तक आएगा, प्रॉफिट बुक करके शांति से सो जाओ, शांति से क्या सो जाओ। ठीक है, तो गाइस इस तरह से हमें क्या एरिया दे देता है। ठीक है, इसी तरीका से हमें फीब क्या करता है, फीब हमें एक एरिया दे देता है। ठीक है, और इसका यूज करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते ठीक है। और गाइस ऐसा नहीं कि ये कोई एक सिंगल टाइम फ्रेम में काम करता है, आप अगर मैं 5 मिनट के भी चार्ट पर जाऊंगा ना, वहां पर भी ये काम करेगा। मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ गया, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर आया, ठीक है, अब आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखो गाइस
फिब का एरिया से पहला तो मुझे सेटिंग से 0.38 हटाने, ठीक है, वरना ज्यादा मेसी लग रहा है। देखो मेरे एरिया है यहीं से मार्केट ऊपर, ठीक है, यहीं से मार्केट क्या ऊपर, ठीक है, और दिखाता हूँ, यहां से ड्रॉ कर दो यहां तक का, देखो यहीं से मार्केट ऊपर। ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसे अगर मैं अगर 4 आवर में करूं, ठीक है, 4 आवर का मैं चार्ट करता हूं, ठीक है, 4 आवर का मैं चार्ट करूंगा। देखो गाइस, अब 4 आवर का मैं डाउन ट्रेंड में एक दिखाता हूं आपको, ठीक है, मान लो ये है, ये एरिया है, यहां से अगर मैं नीचे करूं, देखो देख लो मार्केट यहां तक आई, फिर मार्केट यहां, ठीक है, अब देख सकते हो हमें साफ साफ, अगर अगर मार्केट अगर ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, कहां तक आएगी, ऊपर, यहां तक आएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट क्या नीचे जाएगी। अब हमें जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस है ना, वो कहां पर होगा, वो मार्केट का कहां पर होगा, अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, सिंपली यहां से नीचे तक का ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये वो एरिया है जहां रेजिस्टेंस है, तो यहां पर आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है, यहां पर आप क्या ट्रेड नहीं लोगे, देखो आपके सामने, ठीक है, क्या आपके सामने मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ ना नीचे की तरफ ना, ये क्या है रेजिस्टेंस, आपके सामने देखो मार्केट यहां से रिजेक्ट हो रही है, तो ये डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूं यार यहां से चीजें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, मैं जहां तक मुझसे हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दे करके आपको ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अब अगर आपको अगर समझ में अगर नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि देखो गाइस ये थोड़ा टफ है, फिबोनाची टफ है, ठीक है, ये इतना इजी नहीं है। और टफ क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो सबसे जो टफ चीज है ना वो ये है कि यूज करना करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, वो धीरे धीरे आएंगे। अगर आप चाहोगे कि एकदम से आप मास्टर हो जाओ और आपको कुछ गोल्डन सा चीज मिल जाए जो कि आपको डायरेक्ट आपको आपको ट्रेड जो है सो आपका 100 गुना अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर इसका यूज करते रहोगे तब ये क्या होगा, ये आपका हैबिट में आ जाएगा और तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आप वीडियो को दो बार देख, क्या वीडियो को दो बार देख लो, मैंने अपना 100% दिया है गाइस, आप भी अपना 100% दो, ठीक है, मैं उम्मीद बस इतना ही करता हूं आप अपना 100% दो। अगर वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखो, और गाइस अगर समझ में अगर आ गया यार तो कमेंट करो, कमेंट करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। और जो लोग को भी समझ में नहीं आया है, जब मैं मार्केट अपडेट करूंगा निफ्टी का, बिटकॉइन का, दोनों का, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं पता करता हूं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है, वो सारी टेक्निक्स जो मैं यूज करता हूं ना वो आपको सिखाऊंगा, और फिर वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो आप क्लियरली देखोगे, ठीक है। तो गाइस उसके लिए क्या करो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग।